दोस्तों एक कड़वा सच बोलूं ये दुनिया बड़ी दुखमई, बड़ी अंधेरी बड़ी डिप्रेसिंग सी जगह है यहां एक चुभने वाली शांति है और सब जगह अंधेरा है सोचो कि जीवन में अगर हर जगह अंधेरा ही अंधेरा है कुछ नजर नहीं आ रहा कोई रोशनी नहीं है तो क्या तब भी आपको ये जीवन अच्छा लगेगा तब भी ये जीवन आकर्षित करेगा एक बहुत ही बड़ा बहुत ही सुंदर किला है महंगे पत्थरों से बना हुआ महंगी महंगी पेंटिंग्स हीरे जवारात जड़े हुए दीवारों पर महंगे से महंगा सामान उसमें लगा हुआ है लेकिन बिल्कुल अंधेरा है बिल्कुल शांति है कोई भी नहीं है कोई इंसान नहीं है कोई जीव नहीं है अंधेरा ही अंधेरा है तो भी क्या वो महल वो किला आपको आकर्षित करेगा वहां आपको अच्छा लगेगा या आपको डर लगेगा घबराहट होगी वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां पर खो गए हो आप डिप्रेस्ड फील करोगे डर लगेगा घबराहट होगी कैसे निकलूं यहां से बाहर दोस्तों यही इस दुनिया की असलियत है जो मेटीरियलिस्टिक दुनिया है जो ऑब्जेक्ट है जो सामान है इन सब की असलियत यही है सब कुछ अंधेरा है सब कुछ बेकार है सिर्फ रोशनी की एक किरण जब पड़ना शुरू होती है जो पहली किरण पड़ती है और उसके बाद जो किरण आती जाती हैं, वो इस दुनिया को उज्ज्वलित करती हैं, इसको मीनिंग देती हैं, इसको अच्छा बनाती है आकर्षक बनाती हैं। रोशनी नहीं तो ये दुनिया डिप्रेसिंग अंधेरी और खराब जगह है और ऐसा नहीं कि पूरी ही रोशनी हो जाए रोशनी की सिर्फ एक किरण जब पड़ती है ना किसी बहुत अंधेरी जगह पर वो एक किरण ही उम्मीद की किरण होती है जीवन को एक नई दिशा देती है उस अंधेरे को उस डिप्रेशन को उस दुख को उस घबराहट को खत्म कर देती है एक नई उम्मीद जगाती है एक नई सुबह लेकर आती है सिर्फ रोशनी की एक किरण में इतनी ताकत होती है आज आप बहुत होपलेस हो ना उम्मीद हो जीने से मन भर गया है दुनिया बेकार लग रही है खराब लग रही है जीवन बेकार लग रहा है तो आपके जीवन में अंधेरा बस गया है दोस्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है आपको क्या चाहिए एक किरण हल्की सी रोशनी दोस्तों ये दुनिया सूरज की किरणों से सूरज की रोशनी से उज्ज्वलित है जीवित है जागी हुई है अंधेरा छट चुका है तो दोस्तों हमारे जीवन में वो रोशनी क्या है जो रोशनी हमें उज्जवलित करेगी जीवन जीने की उम्मीद देगी खुशियां देगी ताकत देगी जो प्रकृति की तरफ से वो रोशनी है वो है हमारा जीवन चेतना जीवन जीने की ताकत शरीर की ताकत एनर्जी वाइब्रेशंस, दोस्तों ये आपका शरीर कुछ नहीं है सिर्फ वाइब्रेशंस है एनर्जी है इसके डीपेस्ट रूट में जाओगे ना मॉलिक्यूल एटम उसके अंदर सबके अंदर झाँकोगे सिर्फ वाइब्रेशंस नजर आएंगी स्ट्रिंग्स नजर आएंगी ये आपका जीवन वाइब्रेशंस पर टिका हुआ है एनर्जी पर टिका हुआ है आपके अंदर ताकत है इसलिए आप जी रहे हो ये ताकत बहुत बड़ी चीज है हाथ पैर चला पा रहे हो इंद्रियों का इस्तेमाल कर पा रहे हो दुनिया को देख पा रहे हो कॉन्शियसनेस है एक्ट कर पा रहे हो सोचो आप जीवित हो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है लेकिन आप बिस्तर पर नहीं ढाल पड़े हुए हो हाथ पैर नहीं हिला सकते इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते बस जीवित हो फंस गए हो बंद गए हो क्या उस जीवन का कोई मूल्य होगा क्या उससे खराब कोई परिस्थिति हो सकती है कभी भी नहीं हो सकती कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर दो हाथ पैर हिलाना बंद कर दो बिल्कुल स्थिर हो जाओ कितनी देर ऐसे रह लोगे उसके बाद महसूस करो उस ताकत को आपके हाथों में आपके शरीर में जो है आप कुछ कर पा रहे हो उठ पा रहे हो जीवन जी पा रहे हो यह है वो रोशनी जो प्रकृति ने आपको दी है ये जीवन रूपी रोशनी है दोस्तों आप इस रोशनी को समझो जानो अप्रिशिएट करो हम इसको अप्रिशिएट ही नहीं करते ये नहीं है तो जीवन बेकार है जीवन के कोई भी मायने नहीं है लाश की तरह पड़े रहोगे और लाश बनना तो फिर अच्छा है जीवन का खत्म होना फिर अच्छा है जिंदा लाश बन के रहो ये है वो अंधेरा जिससे आपने बचना है यह है वो अंधेरा जो आज आपके जीवन में नहीं है जो सिर्फ आपकी सोच में आ गया है क्योंकि आप उस रोशनी को देख ही नहीं पा रहे जो आपको मिली है जो ताकत मिली है जो एनर्जी मिली है आप हर क्षण अपना जीवन बदल सकते हो अपने जीवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हो जीवन को जी सकते हो अपना निर्वाह कर सकते हो सबसे बड़ी ताकत सबसे बड़ी रोशनी यही है इसके बिना जीवन अंधेरा है जीवन की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों ये ताकत जो आपको मिली है ना दुनिया की किसी भी सुपर पावर से बड़ी है सुपर हीरो मूवीज देखते हो ना सोचते हो उसके पास ये ताकत है वो उड़ सकता है उसके पास इतनी ताकत है सबसे बड़ी ताकत इस दुनिया की यही है जो हम सबको मिली है अपने शरीर को चलाने की एक्टिव होने की एनर्जेटिक होने की जीवन शक्ति जो है जीवन का निर्वाह करने की जो शक्ति है दोस्तों इससे बड़ी सुपर पावर क्या हो सकती है यही वो शक्ति है जो जीवन की किसी भी परिस्थिति का सामना करने में आपकी मदद करती है आपके जीवन को कभी रुकने नहीं देती बुरे से बुरा हो जाए परेशानियां आ जाए दुख आ जाए आप रुक नहीं पाते वो आपको चलने के लिए प्रेरित करती है, आप आगे बढ़ पाते हो कुछ कर पाते हो एक्शन कर पाते हो सामना कर पाते हो सल्यूशन निकाल पाते हो जीवन जी पाते हो उस शक्ति का सम्मान करो वही आपके जीवन की रोशनी है दोस्तों अब दोस्तों अगली रोशनी की बात करते हैं ये तो प्रकृति की रोशनी हो गई जो दूसरी रोशनी है वो है आपकी कॉन्शियसनेस आपकी चेतन शक्ति आपकी चेतना जिस पर इस समय बहुत गहरी चोट लगी हुई है आज आप इतने नाउमीद जो हुए हो जीवन जीने से मन भर गया है जीवन अंधेरा लग रहा है डिप्रेसिंग लग रहा है बेकार लग रहा है इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी चेतना पर आपकी कॉन्शियसनेस पर एक बहुत गहरी चोट पहुंची है वो ऑल्टर हो गई है आप जीवन को देख ही एक अलग एक खराब दृष्टि से रहे हो जीवन में रोशनी है लेकिन आपको अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है क्योंकि आपकी सोच ऐसी हो गई है शायद कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया कोई एक्सपेक्टेशन टूट गई कुछ भी हो गया आपकी कॉन्शियसनेस पे चोट पहुंच गई है तो दोस्तों ये जो होपलेसनेस है नाउम्मीदी है दुख है डिप्रेशन है यह आपके जीवन में प्लांट करा गया है यह आपका डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है आपका जीवन ऐसा नहीं है किसी का भी जीवन ऐसा नहीं है जीवन में हमेशा खुशियां होती हैं जीवन अच्छा सीधे रास्ते पर चलता है तो ये नाउमीदी होपलेसनेस ये दुख प्लांट करे गए हैं ये एक्सटर्नल है ये आपका अपना नहीं है आप इसको हटा सकते हो इसको हटाकर अपनी कॉन्शियसनेस को फ्री करना है आपने आपको अपना रास्ता बदलना है अपनी कॉन्शियसनेस का जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रही है उसको बदलना है उसको ऑल्टर करना है उसको सही करना है कैसे करोगे दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है आपकी अगर ये स्थिति है इतनी होपलेसनेस है इतना हेल्पलेस फील कर रहे हो ये दुनिया बेकार लग रही है सबसे जरूरी चीज है अपने आप को इस दुनिया से इस जीवन से डिटैच करना है थोड़ा अलग कर लेना है समझना है कि ये दुनिया टेम्परेरी है हर चीज टेम्परेरी है आपकी लाइफ टेंपरेरी है दुख टेंरी है सुख टेंपरेरी है लग्जरीज टेम्परेरी है चाहते टेम्परेरी है सब कुछ टेंप्रेरी है किसी का अस्तित्व ना हमेशा से था ना हमेशा रहेगा बदलाव ही इस दुनिया का सच है अंत ही इस दुनिया का सच है चाहे वो रिश्ते हो चाहते हो सपने हो सपने एक दिन टूट जाना है पालोगे तो भी एक दिन टूट जाएगा किसी रिश्ते में बहुत गहरा घुस रहे हो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो तो सोच लो कि इंसान एक दिन मर जाएगा मृत्यु निश्चित है अलग होना निश्चित है थोड़ी सी इस दुनिया से डिटैचमेंट को महसूस करो थोड़ा सा दूरी बनाओ अपनी आत्मा पर ध्यान लगाओ अपने असली अस्तित्व पर ध्यान लगाओ अपने जीवन के टेम्परेरी होने पर ध्यान लगाओ दोस्तों अपने आप को मुक्त करो आप किसी भी चीज से फंसे नहीं हुए हो, अटके नहीं हुए हो, आपकी सोच अटकी हुई है इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं बांध सकता आपकी सोच ने आपको बांधा हुआ है आप सोच के द्वारा बंधे हुए हो हु� जिस दिन सोच को मुक्त कर लिया उस दिन वो सब उलझे हुए धागे सुलझ जाएंगे आप मुक्त हो जाओगे और मुक्त होकर प्रसन्नता के साथ शांत चित्त के साथ जीने लगोगे खुद को इन बंधनों से मुक्त करो एक्सपेक्टेशन के बंधन चाहत के बंधन और दोस्तों जब आपके जीवन में इतना अकेलापन ही गया इतना अंधकार ही गया इतनी होपलेसनेस आई गई है तो एकांत एक में सॉलिट्यूड में जीना सीखो आपको सीखना पड़ेगा आपकी बेहतरी इसी में खुद पर ध्यान लगाना है अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना है अपने आप से बातें शेयर करनी, बाते करनी है अपने आप से बातें करनी है अपने अनसुलझे सवालों का जवाब आपको खुद ढूंढना है खुद तलाशना है अपनी आत्मा से खुद से बात करके खुद से पूछ कर खुद से प्रेम करो खुद के अंदर दिमाग लगाओ अपने साथ रहो अपना साथ निभाओ अपने ऊपर डिपेंड रहो आपको किसी की जरूरत नहीं है इस दुनिया में सब छोड़ के चले जाए तो भी आप अकेले अपना निर्वाह कर सकते हो अकेले जी सकते हो जब सिचुएशन ही इतनी खराब है जब आप अकेले पढ़ ही गए हो जीवन से ही मन भर गया है और सारे लोग सारे रिश्ते इस जीवन में ही आते हैं ना इस जीवन के परे तो नहीं है जब ऐसी स्थिति आ गई है तो आपको एकाग्रचित होकर एकांत पे दिमाग लगाना है अपने अंदर मन लगाना है दुनिया से मन हटाना है चारों तरफ अब्यूजिव लोग हों जो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं आपको मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं उस भीड़ को छाट अकेले जियो दोस्तों कमिटमेंट करो कि मैं जीऊंगा मुझे जीना है अपने आप से कमिटमेंट करो जीवन मिलने को रिस्पेक्ट करो एक्टिव होने को रिस्पेक्ट करो इस ताकत को इस ऊर्जा को रिस्पेक्ट करो जिस दिन आपने कमिटमेंट कर लिया कि मुझे जीना है मैं जी के दिखाऊंगा परिस्थितियों से लड़के दिखाऊंगा उस दिन आपका मन खुलेगा ये होपलेसनेस ये अंधकार छटेगा दोस्त क्योंकि आपने कमिटमेंट कर लिया है कि मुझे जीना है वो निराशा वाला ऑप्शन हटा के फेंक दिया है दोस्तों मटेरियलिज्म से थोड़ा दूर हो जाओ ये चीजें ये एसेट्स ये जो कागज आपको नजर आते हैं ये जो चाह होती है दूसरों को देखकर इससे थोड़ा सा मुक्त हो जाओ ये कुछ नहीं है सिर्फ सोच है सिर्फ क्षण भर का सुख मिलेगा फिर किसी नई चीज के पीछे भागोगे और जीवन भर इसी रेस में दौड़ते रहोगे जिसका कोई मायना ही नहीं है थोड़ा सा अपने को इन चीजों से फ्री कर लो आपको इनकी जरूरत नहीं है इस बात का एहसास करो इनकी जरूरत लोगों ने बनाई है मुझे जरूरत नहीं है मुझे इनके लिए नहीं जीना इनके पीछे पागल नहीं होना मैं मुक्त होकर जीऊंगा दोस्तों अपने आप को उस साधु की तरह इस दुनिया से मुक्त कर लो इस दुनिया के बंधनों से मुक्त कर लो फ्री होके उन्मुक्त होकर जियो आनंदमय जियो ना कुछ चाहिए ना कोई एक्सपेक्टेशन ना कुछ लेके जाना ना कुछ भोगना शांत मन से मुक्त होकर मेरे को जीवन जीना है किसी से कोई डर नहीं है लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इस दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बस जीवन जीना है आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है आत्मा को समझना है और फ्री रहना है लोगों के पास जो आज ताकत है ना आपको हर्ट करने की नुकसान पहुंचाने की परेशान करने की उस ताकत को ही छीन लो इतना डिटैच हो जाओ इतना अपनी आत्मा में लीन हो जाओ इतना मुक्त हो जाओ एक सिंपल लाइफ की तरफ एम करो ना ज्यादा बंधन हो ना बहुत ज्यादा चाहते हूं सिंपल रूटीन जीना है अच्छे से जीना अपना निर्वाह करना है शरीर का ख्याल रखना है दुनिया को देखना है प्रकृति को देखना है निहारना है एडमायर करना है कुछ रिश्ते होंगे उनकी तरफ कर्तव्य निभाना है उनको सुख देना है लाइफ को बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना लो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा दो जीरो से स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो कोई समस्या आई अपने आप से डिस्कस कर लिया कोई सवाल मन में उठा खुद से डिस्कस कर लिया दुखी हो खुद को समझा रहे हो कुछ अचीव कर लिया खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो इस तरीके से खुद के दोस्त बन जाओ अपना साथ निभाओ किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी अकेले नहीं पड़ोगे कभी दुनिया में अंधेरा नजर नहीं आएगा होपलेसनेस नजर नहीं आएगी कितना ही कम हो बेसिक मिनिमम हो कोई हो ना हो आप खुद के साथ ही खुश रहोगे अपने जीवन पर ध्यान लगाओगे और दोस्तों जब इतनी होपलेसनेस आ जाए ना जिसके पीछे अक्सर एक या दो बड़े कारण होते हैं जीवन को आपने बैलेंस करना है सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना है उस एक चीज को छोटा कर देना एक नई कहानी की शुरुआत करो जहां पे सब कुछ बैलेंस में है जिसमें आपकी सेहत भी है खुशहाली भी है रिश्ते भी हैं, करियर भी है ग्रोथ भी है सर्वाइवल भी है इज्जत भी है सब कुछ है थोड़ा थोड़ा सबकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू है कोई भी चीज बहुत ऊपर नहीं आ रही सब बैलेंस में आपने रखे हुए हैं उनको मिला के एक बैलेंस लाइफ आपको जीना है ना किसी को ओवर इंपॉर्टेंस दोगे ना वो आपको तोड़ पाएगी अध्यात्म को समझना है स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है जब मौका मिले लोगों की मदद कर देनी है अपने आप को मुक्त रखना है फ्री रखना है बहुत ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना चाहे वो रिश्ते हो चाहे वो दुनिया हो चाहे कुछ भी हो हर दिन आपको बिजी रहना है रूटीन की एक्टिविटीज़ में हॉबीज में अपने काम में पढ़ने में रात को कोई भी अच्छी किताब पढ़ो नॉलेज एक्वायर करो जब तक नींद ना आ जाए और फिर चैंसेस सो जाओ अगले दिन की शुरुआत करो हर दिन कुछ सीखना है जीवन को ऑब्जर्व करना है जीवन को जीना है रूटीन को जीना है अच्छे से जीना है अपना निर्वाह करना है अपनी आत्मा में मन को लगाना है अपना खुद का दोस्त बनना है ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं फंसना ज़्यादा अटैच नहीं होना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी बहुत ज़्यादा चाह नहीं रखनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना ऐसे एक जीवन की शुरुआत करो फिर देखना जीवन में कैसे एक नई उम्मीद जागेगी ऊर्जा का प्रवाह होगा जीवन अच्छा लगने लगेगा दोस्तों थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट